नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। अफसर बनने के बाद सुख सुविधाएं अपने आप जुड़ जाती हैं, लेकिन बालाघाट में सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण पदभार संभालने के लिए एक ऐसे अफसर बालाघाट पहुंचे जो साइकिल से यहां पहुंचे थे, जिन्होंने छिंदवाड़ा से सिवनी होते हुए बालाघाट तक कुल तीन जिलों की सीमा का 170 किलोमीटर का सफर साइकिलिंग से करते हुए पूरा किया। और ये सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को पर्यावरण संरक्षण और हेल्दी शरीर का संदेश दे सकें। ये बात विकास माहुरे, सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अफसर की, जो इस समय ट्रेनिंग अवधि में हैं और उन्हें बालाघाट में ट्रेनिंग करनी है, इसी के चलते वे एक दिन पहले अपने घर छिंदवाड़ा से साइकिल से सफर करते हुए दूसरे दिन आज सिवनी होते हुए बालाघाट पहुंचे। तीन जिलों की दूरी को अपने साइकिलिंग से पूरा करते हुए यहां पहुंचे साइकिल से एक अफसर का ये सफर सभी के लिए कौतूहल का विषय रहा। बालाघाट में आने की खबर पर वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने उनके आगमन पर अभिनंदन किया और उनके सफर को लेकर शुभकामनाएं दी। एक अधिकारी का इस तरह से साइकिल से लंबी दूरी का सफर करने का उद्देश्य को लेकर जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वो पर्यावरण संरक्षण और मानव के हेल्दी शरीर का संदेश देने के उद्देश्य से ऐसा करते हुए यहां पहुंचे हैं। अधिकारी बनने पर सुख सुविधाओं मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसमें वाहनों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ ऐसे भी कार्य जिसे हम साइकिलिंग से पूरा कर सकते हैं। मेरा यही संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण में हम सभी सहयोगी बने। लंबे सफर को लेकर जब भी ऐसा कोई अवसर मिले तो उसमें हम साइकिलिंग का जरूर उपयोग करें। आपको बता दें कि सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अधिकारी बालाघाट विकास माहुरे सोमवार को प्रभार संभालेंगे और इस प्रभार संभालने के लिए वे साइकिल से बालाघाट पहुंचे हैं। किस तरह का संदेश है, क्योंकि आप एक विभाग से भी जुड़े हुए हैं और ये भी जानकारी आप प्रभार लेने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अपने होम टाउन छिंदवाड़ा से मैं साउथ डिवीज़न बालाघाट ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ और ये साइकिल लिंक करते हुए आने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं जनता तक दो मैसेज कन्वे करूँ। पहला ये कि हमें पर्यावरण कंजर्व और प्रोटेक्शन देना है, हमें अपने जो वन्य जीव हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें हेल्थ अवेयरनेस बढ़ानी है। इस कोरोना काल ने हमें ये बता दिया है कि हम हेल्दी अभी उतने नहीं हैं, उतने फिट नहीं हैं कि हम ये सब बीमारियों का सामना कर सकें, और आने वाले समय में परिस्थितियां और ख़राब हो सकती हैं, जिसके लिए तैयारी हमें बिल्कुल करने की ज़रूरत है। तो साइकिलिंग करके यहाँ पे आने का उद्देश्य मेरा यही है, ताकि मैं लोगों को ये समझा सकूँ कि हमें फिट रहने की आवश्यकता है। सर, यहाँ पर किस पोस्ट पर आप प्रभार लेने वाले हैं? मैं सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु हूँ, अभी अंडर ट्रेनिंग ही हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग कम्प्लीट होने बाकी। अमूमन देखते हैं कि अधिकारी कोई VIP मतलब सुविधाएँ लेना चाहते हैं, चाहे चार पहिया वाहन से लेकर ऑफिस का मतलब मैनेजमेंट तमाम में देखा जाता है, लेकिन आप जिस तरह से सफ़र करें कि आगे भी इस तरह का जो मैनेजमेंट रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि अधिकारी सुविधाएँ लेना चाहते हैं। दरअसल उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, वो गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि तेज़ दौड़ती सड़कों पर जो आम जनता की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। मेरे पास समय था तो मैंने साइकिलिंग की और मैंने इस समस्या को थोड़ी और नज़दीकी से जानने की कोशिश की। एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुझे आते आते बहुत रोड किल मिले। मैंने देखा कि बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हैं, जानवर मरे पड़े हैं, सांप, बहुत सारी वैरायटी के मरे पड़े हैं, तो ये ओवर स्पीडिंग का ही नतीजा है। क्योंकि सुरक्षित हमें भी रहना है और अपने जीव जंतु और अपने पर्यावरण को भी करना है। ओवर स्पीडिंग से ना ही मनुष्य का फ़ायदा है और आम जीव जंतु को तो बिल्कुल नहीं, वो उनकी रोड किल्स काफ़ी हुई और हमें इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ओवर स्पीडिंग ना करें। जब आप अगर फील्ड पे जाएंगे अपने क्षेत्र में तो क्या वहाँ पे भी साइकिलिंग को अपनाते हुए करेंगे या विभागीय गाड़ी का? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमें तो पेट्रोलिंग करना है, हमें कहा जाता है कि आप जंगल में जितना चलेंगे उतनी नज़दीकी से आप चीज़ों को जान पाएंगे, और साइकिलिंग बिल्कुल मैं हमेशा फिट रहना चाहता हूँ और मैं साइकिलिंग करूँगा, मैं ना गश्त करूँगा, पेट्रोलिंग करूँगा, वॉक।